हुआ ऐसा है कि महाराज ने सडनली मुझे बुलावा भेजा जब मैं अपने घर में अपनी अम्मा और बीवी के बीच में फंसा हुआ था और दोनों को मनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं 4 दिन के लिए मायके जाऊंगी, वो कहती है नहीं 7 दिन के लिए। जब मैं उन लोगों को मना रहा था तब दरबान आके कहता है महाराज ने आपको बुलाया है। फिर महाराज बुला कर ये कहते हैं कि महारानी को बुला कर लाओ। फिर कहते हैं अगर महारानी नहीं आई तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो मुझे वहाँ पर कैद समझ में आता है कि ज़रूर कोई बात है। फिर जब मैं महारानी को बुलाने आता हूँ तो वो मना कर देती हैं कि मैं तो आऊँगी नहीं। फिर बींग पंडित रामाकृष्णा मैं अपना चालू दिमाग चलाता हूँ और मंत्री और गुजर रहे होते हैं और मैं उन्हें बातों में ऐसा उलझाता हूँ कि महारानी बात सुन लेती हैं और आने के लिए राज़ी हो जाती हैं। जी वो आ जाती हैं उद्यान में महाराज के पास और महाराज और उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और महाराज कह देते हैं आप अपने मायके चली जाइए। और इस बात का दोष महारानी मुझ पर डालती हैं। अब मैं इसका उपाय देने के लिए महारानी के पास पहुंचता हूं और उन्हें एक ऐसा उपाय देता हूं कि आप इस तरह से महाराज को अपने साथ ले जा पाएंगी और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ये उपाय देने के लिए महारानी के पास आया हूं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेटर की तो बात ही नहीं है, बात यह कि उन दोनों के बीच मैं हमेशा लेट आता हूँ दरबार में, तो महारानी ने कहा कि वो हमेशा लेट आते हैं, आपने उनको कभी कुछ नहीं कहा तो इस बार आपको कुछ करना पड़ेगा। पर महारानी के ऊपर ही उल्टा पड़ गया, महाराज उन्हीं से गुस्सा हो गए और उन्हें मायके भेजने लगे। ये बात थी।